हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज के वीडियो में बताने वाला किस तरीक़ा से आप है जे अपने कंप्यूटर में मोबाइल एप्लीकेशन को भी चला सकते हैं और साथ में ब्लू स्टैक फाइव को किस तरीक़ा से डाउनलोड करना है करेंगे सो उस सारी चीज़ प्रोसेस में बताने वाला हूँ इस वीडियो में सो किस तरीक़ा से ब्लू स्टैक फाइव को डाउनलोड करना है और इन इंस्टॉल करना सब कुछ मैं बताने वाला हूँ और मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके उसमें बताने वाला हूँ किस तरीक़ा से आप रन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम पे क्रोम पे जाने से पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस कर लेना जैसे इंटरेस्टिंग वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम में क्रोम में जाने के बाद सिंपल आपको ब्लू स्टैक फाइव लिखना है सिंपल ब्लू स्टैक फाइव लिखना है जैसे ही इतना लिखेंगे उसके बाद आपको सबसे पहला दूसरा लिंक मिल जाएगा दोनों में से आप किसी लिंक पर आप चले जाओगे डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपल सा चलते हैं इस लिंक पर और यहाँ पर मैं कुछ आपको बताता हूँ इसके फीचर्स सो यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लेस रैम यूसेज लाइटनिंग फास्ट एप्स परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा सब कुछ इफ़ेक्टिव और यहाँ पर क्या क्या चाहिए इसके मिनिमम सिस्टम रिक्वायर्ड जो है यहाँ पर विंडोज सेवन से ऊपर होना चाहिए और इंटेल ए प्रोसेसर होना चाहिए और एटलीस्ट फोर जी बी रैम भी होना चाहिए साथ में और फाइव जी बी फ्री डिस्क स्पेस भी होना चाहिए बाकी यहाँ पर सब ओके है सो यहाँ पर इसको डाउनलोड करते हैं ऊपर आकर सिंपल साइज पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे कहीं क्लिक करेंगे आपका ये ई एक्स ई डाउनलोड हो जाएगा सो so, यहाँ पर देखते हैं कि डाउनलोड हुआ कि नहीं आते हैं डाउनलोड में यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है और इसको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक राइट क्लिक करना है और रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर देना है जैसे ही इतना करेंगे आपको कुछ इस तरीक़ा से इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद इसको कस्टमाइजेशन इंस्टॉल कर सकते हैं मैं इसी को इसी यहीं पर इंस्टॉल करूंगा कहीं अगर आप चाहते हैं तो कहीं और भी इसको इसके फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं सो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है सिंपल सा बस जैसे ही तुरंत मेरा वाईफाई लगा हुआ है तो तुरंत हो जाएगा आपका हो सकता है मोबाइल नेटवर्क से कर रहे होंगे तो काफ़ी समय लग सकता है तो आपको वेट करना है क्योंकि मेरा देख सकते हैं कितना फास्ट इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि मेरा वाईफाई लगा हुआ है तो तुरंत हो जाएगा अगर यहाँ पर देखते हैं ये इंस्टॉल भी हो गया सो यहाँ पर देख सकते हैं इसको पूरी तरीक़ा से इंस्टॉल हो होने देते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा नेट लग रहा है सो इसको अब यहाँ पर ये चेकिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का आपको चेक करेगा फुलफिल हो रहा है कि नहीं सो मेरा तो फुलफिल हो जाएगा क्योंकि ए प्रोसेसर है और विंडो टेन डला हुआ है और एट रैम है लगभग सो इसको एक्स्ट्रैक्ट हो जाए होने देते हैं फाइल को और पूरी तरीक़ा से इसको इंस्टॉल होने देते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं सो so, यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है और ये ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये ओपन हो गया कुछ इस टाइप से इंटरफेस इसका आया है फिनिशिंग एंड्रॉयड अपडेट ओके सो so, चलते हैं और सबसे पहले कुछ सेटिंग्स वगैरह कर लेते हैं क्या क्या आपको सेटिंग्स रखना है सारे मैं आपको बता देता हूँ सो सिंपल सा सेटिंग पर आना है सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीपीयू कोर्स हाई फोर रख सकते हैं मीडियम आपके प्रो प्रोसेसर पर आप क्या रखते हैं सो so, यहाँ पर अगर आपका टू कोर का प्रोसेसर है तो आपको यहाँ पर वन रखना है अगर फोर कोर का प्रोसेसर है तो आपको दो रखना है यानी मीडियम करना अगर आपके पास एट कोर का प्रोसेसर है तो इसको हाई पर करना है फोर कोर इसका मतलब जितना भी आपका प्रोसेसर है उसका हाफ कोर रखना है तो मेरा दो कोर है तो इसलिए मैं इसको लो में रखूँगा वन कोर दूंगा और यहाँ पर सबसे यहाँ पर आ जाता है बात कितना यहाँ पर रख सकते हैं तो यहाँ पर आपका आठ जी रैम है तो आप फोर जी बी रख सकते हो अगर आपका ब सोलह जी बी रैम है तो आप उसका फिफ्टी मतलब यहाँ पर रख सकते हो बाकी तो हाई परफॉर्मेंस आपको रहने देना है और यहाँ पर इनेबल हाई फ्रेम रेट आप ऑफ कर सकते हैं अगर लो प्रोसेसर है तो अगर आपका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा अच्छा है तो यहाँ पर आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं सो यहाँ पर सिंपल सा आपको सेफ चेंज कर देना है बाकी तो कुछ यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि चेंज किया जाए सो यहाँ पर हमको सेफ़ करना होगा इसको तो सेव कर देना सेव करने के बाद री स्टार्ट हमारा कुछ इस तरीक़ा से हो चुका है सो इसको ओपन करने देते हैं और एक दो सेटिंग्स और है जो आपको बताते हैं और क्या करना है इसमें सेटिंग्स तो ये ओपन हो चुका है सेटिंग्स में आते हैं डिस्प्ले आपको यही रहने देना है और बाकी सब तो यहाँ पर ठीक है चलो ग्राफिक पे आते हैं आपको यही रहने देना है और डिवाइस पे आते हैं डिवाइस पे आने के बाद गेम पेड परफॉर्मेंस यहाँ पे फ़ोन फ़ोन आपको यहाँ पर मिलेगा तो आपको आर ओ जी टू सेलेक्ट करना है ठीक है आपको यहाँ पर और अपना जिस नेटवर्क को आप चूज करना चाहते हो उस नेटवर्क को आपको चूज कर लेना है सो मैं यहाँ पर जियो चॉइस कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपल सा सेव कर लेता हूँ सेव करने के बाद बाकी आप यहाँ से शॉर्टकट्स इसका चेंज कर सकते हैं यूजर डाटा है और बाकी कुछ नहीं है तो आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सबसे पहले आपको आप इसका ब्लू स्टैक का ऐप सेंटर मिल जाएगा यहाँ पर जहाँ पर से आप, आप गेम्स को जो भी है आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स दिया गया है और इसको कट करते हैं और आते हैं सो so फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तरी इस तरीका का इंटरफेस है आपको यहाँ पर होम मिलेगा प्रीमियम गेम्स इंस्टा प्ले इंस्टा प्ले मिलेगा वेब थ्री गेम्स मिलेगा माई गेम्स में आपने जितना इंस्टॉल किया होगा सब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने व्हाट्सअप यहाँ पर इंस्टॉल किया था सो so, यहाँ पर नीचे सबसे आपको ऐप प्लेयर मिलेगा ऐप प्लेयर पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका ये ऐप प्लेयर ओपन हो जाता है सो so, इसको ओपन होने देते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं प्ले स्टोर आपको कहाँ पे मिलेगा सो so, जैसे ही आप ओपन करते देख सकते हैं मैं पहले से ही यहाँ पे व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ हूँ बाकी का तो इंटरफेस मैंने आपको दिखा दिया था पता नहीं ये लॉगिन हुआ कि नहीं लॉगिन नहीं हुआ है सो so, इसको लॉगिन करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस सो so, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ लॉगिन होने के बाद आप कोई सा भी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं सो so, यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च करना है कोई भी एप्स आप सर्च कर लेते हो कुछ भी आप सर्च कर लो यहाँ पे एल यू डी ओ लूडो हो गया हाँ पर देख सकते हो लूडो आप जैसे ही सर्च करोगे आपको चला आएगा सो so, कुछ भी ऐप सर्च करते हैं मानते इंस्टाग्राम सर्च करते हैं आई एन एस देख सकते हैं, इंस्टाग्राम लाइट इन शॉट इन शॉट ये देख सकते हैं शॉट वीडियो एडिट आपको देख सकते हैं कैनवा प्रो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा सो यहाँ पर देख सकते हैं आप तो कुछ इस तरीका से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपल सा मोबाइल की तरह ही इसमें भी इंस्टॉल होता है बाकी कुछ प्रोसेस नहीं हो तो वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं और अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेगी सो वीडियो को इंड करते हैं